हेलो फ्रेंड्स, मैं आमेसर आमेसर क्लासेस के साथ। जैसे कि आप जानते हैं, कंटिन्यू हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज चला रहे हैं, और जिसमें कि हम लोग इससे पहले हमने देखा था ओसिनिया, हमारा तीसरा कॉन्टिनेंट स्टार्ट हो गया, तीसरा महाद्वीप, और जिसमें हम बात कर रहे थे ओसिनिया की। ओसिनिया हमने बेसिकली जान लिया था क्या क्या पढ़ना है, जिसमें माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, मेलानेशिया और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के बारे में जाना। ये बेसिक मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, उनको हम डिटेल से जानेंगे, उनके आइलैंड और कंट्रियों के बारे में भी जानेंगे। ये भी हमने जाना था ओशिनिया बना किस पार्ट का है, किन चीज़ों का बना हुआ है। तो मैंने ये बताया मूंगा चट्टान और ज्वालामुखी पर्वत जो रहते हैं, ज्वालामुखी से बना हुआ निर्मित पूरा का पूरा ये जो आज देखते हो आप समुद्र में फैले हुए जो आइलैंड है, या तो मूंगा चट्टानों के बने रहते हैं या फिर आपके ज्वालामुखी के बने रहते हैं। तो आज हम जो देखने वाले, मैंने आपको पहले ही बताया था, तो ओशिनिया में जो हमें पढ़ना है वो ओशिनिया में स्पेशल आज हमें जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया वाला भाग हम जानेंगे, ऑस्ट्रेलिया हमें स्पेशली जो आज जानेंगे, तो हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम सब बातें करेंगे, और आज हम बेसिक बेसिक सब चीज़ें जानेंगे इसके बारे में, और राजनीतिक मैप भी जानेंगे, कितने इसके कंट्री हैं, कितनी सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें जानेंगे। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बेसिकली बता दूँ कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में हमें जो जानना है, और मैं पहले भी बता चुका कि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया विश्व में अगर देखा जाए तो ये महाद्वीपों में, एरिया वाइज मतलब कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें नंबर पे आता है, और महाद्वीपों में क्षेत्रफल में 7वें नंबर पे आता है, और सबसे छोटा महाद्वीप भी है, सबसे छोटा महाद्वीप, महाद्वीप है सबसे छोटा महाद्वीप है। चलो, हाँ, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आप लोग, मुझे कमेंट करो, मैं ये बताइएगा कि विश्व के सातों महाद्वीप हैं जो, और उसमें मुझे सभी के क्षेत्रफल के हिसाब से पूरी सीरीज, पहले पे कौन आता, दूसरे पे कौन, तीसरे कौन, तो ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्षेत्रफल में पहला कौन है, दूसरा कौन, तीसरा कौन, तो मैं ये आप कमेंट में मुझे बताइएगा। और 5वें नंबर पे कौन सा महाद्वीप है वो स्पेशली उसकी बात मुझे बताइएगा। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया देखो 7वें नंबर पे महाद्वीप है और सबसे छोटा महाद्वीप है। तो ऑस्ट्रेलिया की हम बात कर रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में यहाँ देखो स्पेशली जो हमें यहाँ पे जानना है, जो चीज़ें हमें यहाँ पे सबसे स्पेशली बात करनी है, तो ये बात है उस समय की 1770 के एक जेम्स कुक नाम का कैप्टन जेम्स कुक था जो आके यहाँ इसने खोज की थी। तो हमें इसके खोजकर्ता का नाम देख लेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया की जो खोज की थी, मतलब ये जो यात्री यहाँ आया था, तो यहाँ कैप्टन जेम्स कुक, कैप्टन जेम्स कुक 1770, कैप्टन जेम्स कुक 1770 में यहाँ ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी इसने, और बताया था कि ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, मतलब देश है, ऐसा नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया इससे पहले था नहीं। थोड़े क्या है, ये जो ब्रिटिशर रहे अपने आप को कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझते हैं हर चीज़ में, क्योंकि ये समझते हैं कि हम जहाँ पहुँचे तो वही, तभी उस महाद्वीप या उस जगह की खोज हुई है, चाहे वो अमेरिका को ले लो, जैसे क्रिस्टो कोलंबस गया था, इससे पहले कि अमेरिका था नहीं, बिल्कुल था, लेकिन ये थोड़े से अपने आप को समझते, जैसे इंडिया क्या था नहीं, इंडिया 1498 में आए, बोले किसने खोज की, बोले वास्को डी गामा ने खोज की, ये सब इनके ऐसे फंडे रहे, वो कुछ नहीं हमें ये जानना है। तो इसकी खोज किसने की थी, तो ये अंग्रेज यात्री था और इसकी खोज की थी 1770 में खोज की थी। मैं स्पेशली यहाँ पे बात बता दूँ कि यहाँ पे जो आता है इसके जहाज़ का नाम पूछ लिया जाता है, स्पेशल बता दूँ पीएससी जैसे एग्जामों में, जो प्री स्टेट के एग्जाम्स होते हैं, तो उनमें इसके स्पेशल इस यहाँ पे इसके जहाज़ का नाम पूछ लिया जाता, और वो उसके जहाज़ का नाम मैं लिखे देता कि जो शिप से आया था, जो इसका शिप था, उस शिप का नाम था पोर्ट जैक्सन, पोर्ट जैक्सन। तो ये इस पोर्ट जैक्सन नाम के जहाज से आया था, कभी कभी पूछ लेता, बाकी याद रखना हल्का सा, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं, हल्का याद रखना। कैप्टन जेम्स कुक जो था वो आपका इंग्लैंड का था, किस देश से था, तो इंग्लैंड का निवासी था, तो इंग्लैंड से आया था और दक्षिणी महाद्वीप पर उतरा, और उसने आके ऑस्ट्रेलिया पे कदम रखा, और कहा कि मैंने इस वाले एरिया की या इस वाले जो जगह पे है, ये जगह ऑस्ट्रेलिया, और उसको ऐसे करके खोज कर ली, कह रहा मैंने इसको खोज लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बेसिक बेसिक कि हमें बेसिक इस पे बात करना है। हाँ, मैं एक चीज़ बता चुका कि महाद्वीपों में क्षेत्रफल में 7वें नंबर है, सबसे छोटा महाद्वीप है, और जनसंख्या की दृष्टि से भी अगर देखा जाए इसकी जनसंख्या, तो जनसंख्या में भी सबसे छोटा है, जनसंख्या में
सबसे छोटा। पॉपुलेशन वाइज अगर मैं बात करूं, पॉपुलेशन वाइज भी सबसे छोटा है। तो स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन वाइज द इज मतलब पॉपुलेशन वाइज स्मॉलेस्ट कंट्री है। अब यहाँ बेसिकली मैं बात करूँ कि अब थोड़ी ऑस्ट्रेलिया की मैं बात कर लूँ, यहाँ चर्चा कर लूँ कि ऑस्ट्रेलिया हमें जानना क्या है। तो पहले हम ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे हमें जो जानना है या जिन चीज़ों के बारे में हमें जानकारी लेनी है तो वो हम उसके बारे में लेंगे स्पेशल। किन चीज़ों के बारे में? कि यहाँ पे इसकी वाटर बॉडी के बारे में जानेंगे कि जल वाला जो भाग है घिरा किस क्षेत्रों से, इनके आसपास में वाटर बॉडियाँ कौन कौन सी हैं, यहाँ पे इसको कौन कौन से कंट्री या देश घेरे हुए हैं, इसको कौन कौन से द्वीप घेरे हुए हैं, तो वो आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो मैं ये बेसिकली आपको ओशिनिया जब मैं पढ़ा रहा था वहाँ आपको बता चुका हूँ कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है, और पश्चिमी प्रशांत महासागर के होने के साथ साथ एक चीज़ मैंने बताई भी थी ग्लोब पर आपको। अगर मैं बात करूँ कि क्वेश्चन बनता है कि क्वेश्चन ये बनता है कि आपका जो ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया एक ग्लोब है, ग्लोब के किस गोलार्ध में है, तो ये है आपका उत्तरी गोलार्ध, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है, तो ये नॉर्थ वाला पार्ट है, ये साउथ वाला पार्ट है। और ऑस्ट्रेलिया कौन से पार्ट में आता है? तो ऑस्ट्रेलिया जो आपका आता है इस प्रकार से, ऑस्ट्रेलिया जो आता है वो आपके साउथ वाले पार्ट का हिस्सा है, ये तो साउथ वाले पार्ट का हिस्सा है। तो आपका अगला क्वेश्चन बन जाएगा किस गोलार्ध में, तो आप लिखोगे ये दक्षिणी गोलार्ध में है, साउथ हेमिस्फीयर में है, साउदर्न हेमिस्फीयर तो दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा है, तो साउथ पार्ट में है, तो ये आप रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पे देखिए और क्या पूछता है, मैं एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पे कि ये आपकी रही 0 डिग्री, ये आपकी कहलाती है 0 डिग्री, जिसे बोलते हैं भूमध्य रेखा या 0 डिग्री इक्वेटर, या इसी को बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री इक्वेटर बोलते हैं। और ये आपकी ऊपर रही, ये आपकी है कर्क रेखा 23/1/2, तो ये आपकी है कर्क लाइन ऑफ कैंसर, तो लाइन ऑफ कैंसर है ये बोली जाती। और ये है आपकी यहाँ पे स्पेशल, इसकी मैं बात कर रहा, ये आपकी मकर रेखा। तो यहाँ मुझे जो बताने मेरा पर्पस है ये वाला 23/1/2 मकर रेखा, जो मेरा बताने का यहाँ पर्पस है वो ये है कि इस महाद्वीप के मतलब जो रेखा होकर के जाती है वो कौन सी है, मकर रेखा इस महाद्वीप से होकर के जाती है। क्वेश्चन पूछता भी है कि आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है, तो आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से आपकी मकर रेखा कैप्रिकॉन लाइन यहाँ से क्रॉस करती है। कौन सी लाइन? कैप्रिकॉन, तो कैप्रिकॉन लाइन मकर रेखा यहाँ से क्रॉस करती है। तो ये आप जानेंगे, बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें एग्जाम में सब पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। अब मैं बात कर लूँ यहाँ पे कि कौन भाग क्या कहलाता है, तो देख लीजिए यहाँ पे, तो ये देखिए ये जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा है, ये आपका कहलाता है पश्चिमी प्रशांत महासागर। ये जो हिस्सा है ये वाला है आपका पश्चिमी प्रशांत महासागर। फिर नीचे आप देखेंगे ये वाले हिस्से को बोलते हैं दक्षिणी महासागर। ये वाला जो हिस्सा है आपका दक्षिणी महासागर, देखो तो उस तरफ हमने देखा प्रशांत महासागर, और इस तरफ और क्या देखा, ये प्रशांत महासागर, दक्षिणी महासागर। और इस तरफ आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया वाले भाग से इस वाले भाग पे देखोगे यहाँ पे हिंद महासागर मतलब इंडियन ओशियन, हिंद महासागर स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे कौन सा होगा, हिंद महासागर या इंडियन ओशियन। वेस्ट पैसिफिक ओशियन, साउथ ओशियन, और ये हो जाएगा आपका हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। तो ये तीन वाटर बॉडी, इसको देखो कौन कौन से महासागरों से घिरा है, तो तीन महासागरों से घिरा है। उस अगर इसके पूर्वी हिस्से को देखोगे तो हिंद महासागर से, और पश्चिमी हिस्से को देखोगे तो ये घिरा किससे है, आपका पश्चिमी महासागर, पश्चिमी प्रशांत महासागर से, और साउथ में देखोगे तो दक्षिणी प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। तो देखो इसकी हम चर्चा कर रहे थे कि पश्चिमी प्रशांत महासागर, दक्षिणी महासागर और हिंद महासागर से पूरा का पूरा घिरा हुआ है। अब हम आगे चलते हैं, इसमें जो बेसिक चीज़ें हमें जाननी है। अब ये देखिए आप कि इसमें जो स्पेशल जो मैंने बनाया है, ये देखिए 1, 2, 3 तीनों ओर ये वाला भाग पानी से घिरा हुआ है। और मैं बता दूँ इस वाले जब तीन ओर से कोई भी मतलब लैंड बॉडी पानी से घिरी रहती है तो उसको हम बोलते हैं क्या, प्रायद्वीप, पेनिनसुला। क्या बोलते हैं उसको, पेनिनसुला की संज्ञा देते हैं।
और मैंने स्पेशली बात कही थी कि इस पेनिनसुला को ना मैं तीन हो, जैसे कि मैं बात करूँ इंडिया है, आप इंडिया स्पेशल देखोगे ऐसे करके, ऐसे ये इंडिया आप स्पेशल जब मैं बात करूँ आप इंडिया ऐसे देखोगे तो ये एक भाग दो तीन, तो क्या बोलते हैं भारतीय प्रायद्वीप, इसको क्या कहते हैं भारतीय प्रायद्वीप। भारतीय प्रायद्वीप तो भारतीय प्रायद्वीप बोलते हैं, ऐसे ये भी एक प्रायद्वीप है, तो ये इसका नाम है कैप यार्क पेनिनसुला, इसका नाम है कैप, इसका नाम है कैप यार्क प्रायद्वीप, ये आपका जो है वो आपका कैप यार्क प्रायद्वीप है, ये वाला हिस्सा कहलाएगा, तो इसको बोलते हैं। तो प्रायद्वीप मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को, ना हो तो पता एक बार फिर और अच्छी तरह से सुन लीजिए और नोट भी कर लीजिएगा कि किसी भी लैंड बॉडी, लैंड बॉडी मतलब ज़मीन वाले हिस्से का भाग जब पानी से तीन ओर से घिरा हो उस वाले भाग को हम प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे भारत का भाग तीन ओर से पानी से घिरा है तो भारतीय प्रायद्वीप बोलते हैं, और स्पेशली यहाँ मैं बात करूँ तो ये आपका कहलाएगा कैप यार्क प्रायद्वीप। तो अभी यहाँ पे देखिए तो स्पेशली ये कैप यार्क प्रायद्वीप है, ये बीच में जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा ये आपकी है कारपेंट्रिया की खाड़ी, कारपेंट्रिया खाड़ी, तो कारपेंट्रिया की खाड़ी है। फिर आप यहाँ देखिए जा कि यहाँ पे मुझे और चीज़ें जो बतानी है आगे हमें चलना है, ये वाले हिस्से पे आप आइएगा तो यहाँ आपको मिलेगा, इस वाले हिस्से पे तो यहाँ मिलेगा अराफुर सागर, अराफुरा, अराफुर है, अराफुर, अराफुर सागर, तो एक यहाँ पे अराफुर सागर मिलेगा आपको। तो एक चीज़ यहाँ पे जो मुझे और बतानी है जो बेसिकली आपको जानना है, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे ऐसे करके एक आइलैंड बना हुआ है, मतलब द्वीपीय देश है इस प्रकार से, और जो बीच से ऐसे बटा हुआ है ये, तो इसमें हमें जो जानना है यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर कर दूँ मैं इसको, ये वाले भाग पे ऐसे देखो, तो ये वाला भाग है, ये वाला आपका कहलाता है, ये कहलाता है इरियन जया, इरियन जया, ये है पापुआ न्यू गिनी, न्यू गिनी, ठीक है। तो एक क्या है, ये बीच से बटा हुआ है, एक ही आइलैंड, लेकिन एक आइलैंड पे दो देश है, तो एक आइलैंड पे दो देश बने हुए हैं, एक आइलैंड पे दो देश बने हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए आप कि ये जो इरियन जया है, मैं आगे बताऊंगा मैं जब एशिया कॉन्टिनेंट पढ़ाऊंगा, तो इरियन जया है ये वाला हिस्सा आपका इंडोनेशिया का है, ये इंडोनेशिया पे इसका कंट्रोल है, ये इंडोनेशिया का भाग माना जाता है ये वाला हिस्सा। और मैं जिसकी बात कर रहा हूँ पापुआ न्यू गिनी की, तो पापुआ न्यू गिनी एक स्वतंत्र देश है, एक स्वतंत्र देश है, ये अलग से स्वतंत्र देश है, और ओशिनिया का भाग है, किसका भाग है ओशिनिया का भाग है। और स्पेशली मैं यहाँ बात करूँ ये जो भाग है ये आपका स्पेशल जो भाग है ये आपके माइक्रोनेशिया का पार्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम जानेंगे यहाँ पे, सॉरी मेलानेशिया का पार्ट है, याद रखना ये वाला मेलानेशिया का पार्ट है, आगे हम पढ़ाएंगे ये सब बता दूंगा मैं आगे डिस्कस करने करने, ये मेलानेशिया का पार्ट है, मेलानेशिया, तो ये मेलानेशिया का भाग है, ठीक है। तो ये जाना हमने अराफुर सागर, कारपेंट्रिया की खाड़ी, कैप यार्क, तो एक खाड़ी जो कारपेंट्रिया की दूसरी खाड़ी है बड़ी खाड़ी मिलेगी और जिसका नाम है ऑस्ट्रेलियन, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ये बहुत बड़ी खाड़ी है। तो दो खाड़ियां आपको स्पेशली अभी और भी मिलेंगी, याद रखनी है। ऑस्ट्रेलिया में हर चीज़ ग्रेट करके कुछ ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जब हम पढ़ेंगे ग्रेट लेक्स बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट गिब्सन वगैरह बहुत सारे ये सब करके ग्रेट, तो ग्रेट थोड़ी ऑस्ट्रेलिया में आप याद रख लीजिएगा अच्छी तरह से दिमाग में ये भर लीजिएगा, तो ग्रेट हर बार मिलेगा। तो दो खाड़ी, एक कारपेंट्रिया की खाड़ी और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे तिमोर सागर है, तिमोर सागर,
तिमोर सागर मिल जाएगा आपको। तो ये देखिए अराफुरा सागर, तिमोर सागर, कैपियाड। हाँ, फिर मैं इस तरफ की बात करूँ, एक यहाँ पे आपको जो मिलेगा, एक यहाँ इस इधर पर, यहाँ पे आपको कोरल सागर मिलेगा। कोरल सागर, कोरल सागर मिलेगा। फिर आप यहाँ देखिए जरा, यहाँ पे स्पेशली मैं बात करूँ, यहाँ पे आपका ये आपका न्यूजीलैंड है, और जो ऑस्ट्रेलिया और इस तरफ भाग में देखोगे तो यहाँ पे एक आपका सागर मिलेगा, तो वो मिलेगा तस्मान सागर। तस्मान सागर, ठीक है। और यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप है यहाँ ऑस्ट्रेलिया के नीचे, यहाँ पे देखोगे आप ऐसे करके, इसका नाम है तस्मानिया। तस्मानिया क्वेश्चन पूछा भी गया है कि तस्मानिया आइलैंड कहाँ पे है, तो आप आंसर दोगे दक्षिणी महासागर में है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, और ये आपका भाग मैंने जो बनाया है, ये आपका न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड। और स्पेशली बात बता दूँ, न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो वेलिंगटन है, इसके बारे में पहले ही बता चुका। स्पेशल फैक्ट है, बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछा भी जाता है कि विश्व में सबसे साउथर्न कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है, विच इज़ दी साउथर्न कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, या सबसे विश्व की दक्षिणतम राजधानी कौन सी है, तो वो आपकी है वेलिंगटन। तो याद रखना, सबसे दक्षिणी राजधानी है वेलिंगटन। ये मैं यही बता भी चुका, इससे पहले वाले लेक्चरों में मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ, वेलिंगटन क्या है, तो आपके यहाँ पे वेलिंगटन हो गए। तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाय दक्षिण प्रशांत महासागर। अब हमें यहाँ पे स्पेशली हमें जिन चीज़ों की यहाँ पे स्पेशली बात करनी है, और जो चीज़ें हमें स्पेशली यहाँ पे देखनी है, तो हाँ कुछ चीज़ें और मैं यहाँ पे बता दूँ। यहाँ पे आप देखोगे, एक यहाँ पे स्पेंसर, ये जो खाड़ियाँ दिख रही हैं, दो बनाई मैंने, ये खाड़ियाँ हैं, तो एक आपकी है स्पेंसर खाड़ी, स्पेंसर खाड़ी। यहाँ पे एक आइलैंड भी मिलेगा ऐसे करके, इसका नाम है कंगारू द्वीप, और इसी पे कंगारू नेशनल पार्क भी है, ठीक है। मैं जब वो डिस्कस करूँगा तो वहाँ पे ये सब चीज़ें आपको बता दूंगा कि कौन कौन है, तो यहाँ पे एक चीज़ बता दूंगा। तो देखो, दो खाड़ी पढ़नी है, एक को आप देखना है स्पेंसर खाड़ी, और दूसरी खाड़ी यहाँ पे मिलेगी, और जिसका नाम है ए वाली, और इसका नाम है आपकी इनकाउंटर। कुछ ऐसे ही नाम मिलेंगे फिलहाल तो, अभी इनकाउंटर सब मिलेगा यहाँ पे, इनकाउंटर हो जाएगा, ग्रेट रेड, हर चीज़। तो इनकाउंटर भी आ गया, स्पेंसर हो गया, कंगारू हो गया। तो याद रखना, दो खाड़ियाँ इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है इनकाउंटर खाड़ी कहाँ पे है, तो इनकाउंटर ऑस्ट्रेलिया के में है, और उसी के भाग है। ग्रेट वाइड कहाँ पे है, तो ये आपके दक्षिण प्रशांत महासागर, ये दक्षिण महासागर में है, तस्मानिया ये वाला हिस्सा। अब मैं ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी पॉलिटिकल मैप की बात कर लूँ, जो हमें इसमें पढ़ना है कि कितनी चीज़ें हैं। तो देखो, ऑस्ट्रेलिया में जो स्पेशल हमें जानना है, या स्पेशल ऑस्ट्रेलिया को जो हमें बांटना है, तो उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को मैं स्पेशल बात करूँ, तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो आपके जैसे अपने जैसे भारत को अगर मैं बात करूँ, भारत में कितने प्रेजेंट में कितने स्टेट हैं, कितने राज्य हैं, तो प्रेजेंट में 28 स्टेट हैं, और कितने केंद्र शासित मतलब कि यूनियन टेरिटरी हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो प्रेजेंट में 8 यूनियन टेरिटरी हैं। क्योंकि आपको पता है, जस्ट अभी 2021 में 26 जनवरी को आपका ये जो था दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप को एक ही टेरिटरी बना दिया गया, एक ही मतलब केंद्र शासित प्रदेश अनाउंसमेंट कर दी गई है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, ये तो अभी प्रेजेंट में 8 है। तो आप देख सकते हैं, जैसे मैं भारत के पूछूं भारत में कितने राज्य हैं, तो आप बोलोगे 28 है, और ऐसे में पूछूँ कि आपका यूनियन टेरिटरी कितने हैं, या केंद्र शासित प्रदेश, तो आप बोलोगे 8 है। तो ऐसे ऑस्ट्रेलिया में डिवाइड है। मैं ऑस्ट्रेलिया के यहाँ राज्यों की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे राज्य हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो वो आपके राज्य है यहाँ पे 6 राज्यों में बांटा गया है। और अगर मैं यहाँ पे यूटी की बात करूँ, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश, तो 2 हैं आपके, तो 6 और 2, ये चीज़ याद रखना। अब मैं बांट के एक एक चीज़ें बता रहा हूँ, एक चीज़ आपको डिवाइड करके बता रहा हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे मेरे साथ।
आपको क्या क्या इसमें जानना है और क्या क्या देखना है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पेन रखना है और सीधी एक लाइन ऐसे खींच लेनी है, ये वाला, फिर बीच से ऐसे डिवाइड कर देना है और ऐसे आगे जाएंगे आप, फिर यहाँ से लेंगे इसको, इस वाले हिस्से से यहाँ से जोड़ देंगे इस प्रकार से, और यहाँ इस प्रकार से, और फिर एक यहाँ पे लाइन ऐसे खींच देंगे और इसको ऐसे नीचे तक ले जाइए और एक इसमें इस प्रकार से खींच देना। अब देखिए मुझे क्या बताना, एक दो तीन चार पाँच छः, ये छः जो मैंने आपको राज्य बताए हैं वही बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और जो वाला हिस्सा, एक तो इसकी इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि यहाँ पे सब चीज़ें जो बांटी गई बहुत सिंपली, ये सीधी सीधी पूरी लाइन इनकी जो रेखाएँ बांटी गई है, कहीं इतना टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, जिग जिग टाइप की नहीं मिलेगी जैसे कि और भी स्टेट के राज्यों की आप देखोगे कि एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन मिलेगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की अच्छी खासियत है, इसकी जो ज्योग्राफिकल है, भौगोलिक स्थिति है, एकदम सीधी सीधी सब मिलेगा, सब सीधा मिलेगा। यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आगे डिस्कस भी करूँगा। तो ये वाले हिस्से को बोलते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, तो ये राज्य है, स्टेट का नाम है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम में, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया याद हो जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए यहाँ पे ये उत्तर में है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। अब ये दक्षिण में, तो ये हो जाएगा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इस वाले स्टेट का नाम है आपका क्वींसलैंड है, क्वीन भी मिल जाएगी लो, अभी क्वींस भी आ गई, क्वींसलैंड, ठीक है, ये आपका क्वींसलैंड हो जाएगा। और ये वाला भाग आप देखोगे स्पेशल यहाँ पे क्वींसलैंड, और ये वाला भाग आपका न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स, इनके नाम आपको मैं ज़्यादातर बता दूं। और ये आपका मिल जाएगा, ये आपका है विक्टोरिया, तो देखो क्वींस भी आ गई, विक्टोरिया भी आ गया आपका। ये बहुत सिंपल रहेंगे, आपको रटना ज़्यादा नहीं, कुछ भी रट्टा नहीं मानना है, मैप को आ रहे पश्चिम दिशा में है, वेस्टर्न साइड है तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तर तरफ है तो आपका उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, और दक्षिण तरफ है तो आपका आ जाएगा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। स्पेशली बात करूँगा मैं यहाँ पे दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो ये आपका क्वींसलैंड है, न्यू साउथ वेल्स है और विक्टोरिया है, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब मैं थोड़ी सी यहाँ पे बात करूँ और जो चर्चा मुझे यहाँ करनी है आगे की, तो ये तो आपने देखे इसके छह राज्य जो स्टेट थे। अब मैं यहाँ पे दो चीज़ों की और बात कर लूँ, यहाँ पे दो केंद्र शासित प्रदेश हैं, और वो दो केंद्र शासित प्रदेश जो आपको देखने वही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। एक तो आपका हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे भी मैप पे बता दूँ, पहली बात तो इस ऑस्ट्रेलिया की जो पूरी की पूरी जो मतलब कि स्पेशली जो कैपिटल है, तो वो आपके यहाँ पे जो कैपिटल आती है इसकी जो राजधानी वो कैनबरा है, और जो न्यू साउथ वेल्स में यहाँ पे आती है C4 कैपिटल, इसका नाम है कैनबरा, कैनबरा। तो एक तो यूटी आपका ये हो जाएगा, एक यूटी हो जाएगा, नंबर एक दे दो इसको, मैं नंबर एक दिए देता, तो दो बता बात करने, और दूसरा यूटी हो जाएगा आपका तस्मानिया, दूसरे नंबर का यूटी तस्मानिया, तो दूसरा यूटी आपका तस्मानिया हो जाएगा। तो ये दो केंद्र शासित प्रदेश हैं, छह राज्य हैं, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, उत्तर ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया। तो ये देखा कि हमने छह राज्य और दो केंद्र शासित, दो यूटी स्टेट, तो ये आप पूरा दिमाग में रखिएगा। हाँ, इनसे कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें पूछी जाती हैं जो मुझे यहाँ पे डिस्कस करनी है, और मैं आगे अभी बात कर रहा हूँ उन्हीं के ऊपर। तो यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं इनकी, कि आपको यहाँ पे इनकी स्पेशल जो जाननी है राजधानियाँ, क्योंकि इनके क्वेश्चन राजधानियों से बहुत पूछे जाते हैं यहाँ पे, और सब चीज़ें सिंपली हैं तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट भी रहेंगी। तो सबसे पहले मैं कर लूँ क्वींसलैंड की राजधानी, तो क्वींसलैंड की राजधानी वो यहाँ किनारे पे मिलेगी, मैं सी बनाता जाऊँगा सब जगह ये इस प्रकार से, इसका नाम है ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन। फिर आप देखोगे यहाँ पे एक मिलेगी आपको सिडनी, ये मैच के लिए क्रिकेट के मैदान, यहाँ पे टेस्ट मैच
और वर्ल्ड कप वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलती हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिकेट की खेले जाते हैं, स्पोर्ट के लिए ये सब चीज़ें यहाँ पे, खेल ग्राम बहुत फेमस है। इसके बाद फिर आपको यहाँ पे देखोगे कि ब्रिस्बेन होगी आपकी राजधानी क्वींसलैंड की, और कैनबरा होगी उसकी वो, और फिर आपको यहाँ पे स्पेशल आएगा और विक्टोरिया की मेलबर्न यहाँ पे जो मिलेगा आपको यहाँ पे सी यहाँ किनारे पे है मेलबर्न। तो देखो पहली राजधानी कौन सी, ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन किसकी राजधानी है, क्वींसलैंड की, ये लिख लीजिएगा इस प्रकार से। सिडनी आपकी न्यू साउथ वेल्स की, मेलबर्न किसकी होगी आपकी विक्टोरिया की। तो तीनों एक इंटरेस्टिंग और चीज़ है यहाँ पे जो मुझे बात करने, ये सारी की सारी राजधानियाँ ऑस्ट्रेलिया की सारी की सारी, मतलब कि उसके किनारे सीमा पे मिलेगी, पूरे ऑस्ट्रेलिया की जो सब चीज़ें मिलेगी वो इसके सब किनारों पे ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं यहाँ पे सब किनारे। तो इसकी सब राजधानियाँ हैं किनारों पर है। फिर मैं बात करूँ आपकी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की, हाँ तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करूँ तो वो यहाँ पे मिलेगी C4 यहाँ पे है, और इसका नाम है पर्थ। मैं बात करूँ उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की तो आपको यहाँ पे मिलेगी, यहीं पे है डार्विन। तो आपकी फिर साउथ की बात करूँ, साउथ ऑस्ट्रेलिया तो यहाँ पे है किनारे पे, और इसका नाम है एडिलेड। तो ये जो मैं ऐसे ग्रीन करके, ग्रीन जो मार्कर से मैं लिखा हूँ, तो ये सब करके मैंने यहाँ की इसकी कैपिटल बना दी है। हाँ याद रखना है, जैसे क्वेश्चन आता है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो आप आंसर दोगे ऑस्ट्रेलिया की स्पेशल राजधानी आपकी आंसर होगा कैनबरा। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपकी कैनबरा है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है न्यू साउथ वेल्स की राजधानी क्या है, तो सिडनी है। क्वींसलैंड की क्या है, ब्रिस्बेन है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की डार्विन, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की पर्थ। बहुत फेमस जगह है, यहाँ पे बहुत सारे क्रिकेट वगैरह होते हैं, ये सब चीज़ें मिलेंगी आपको देखने को। हाँ अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और बात कर लूँ जो मुझे यहाँ पे बताना है, और यहाँ पे मुझे तास्मानिया की राजधानी की बात करनी है, जिसकी राजधानी हॉबर्ट। तो ये देख लीजिए, तो ये करके आपके पूरी यूटी और राज्यों की राजधानियाँ हुई। यहाँ पे जो चीज़ें मुझे बतानी थी, बेसिक जो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करनी थी, तो ये चीज़ मैं आपको कर चुका। ऑस्ट्रेलिया के बारे में बेसिक मैप के बारे में पूरी चर्चा कर चुका। ये पूरा आपका राजनीतिक मैप है, पॉलिटिकल मैप है, तो इसकी बॉर्डर बॉडियों के बारे में जाना, कौन कहाँ पे क्या है, ये सब चीज़ें जाना। इससे पहले वाले लेक्चर में हम माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पोलिनेशिया देख ही चुके थे, और आज हमने जो पढ़ा ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानकारी ली, और जिसमें 6 राज्यों के बारे में और 2 केंद्र शासित प्रदेश में उनकी राजधानियाँ देखी, या इसी महाद्वीप से होकर मकर रेखा भी जाती, ये सब लिख लीजिएगा। हाँ इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसी हैं, मैं बात करूँ यहाँ पे कि आप देखोगे कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। हाँ एक चीज़ और मुझे बताना थोड़ा सा भूल गया, तो यहाँ थोड़ा देख लीजिए, इस वाले भाग पे आप देखोगे पूरे इस प्रकार से पट्टी सी पूरी इस प्रकार से बनी हुई है, और मैं ज्योग्राफिकल मैप में ही पढ़ाऊंगा, इसे बोलते हैं आपकी, ये है आपका ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ ये मतलब कोरल सागर है, उसी कोरल चट्टानों का बना हुआ है, मतलब मूगा चट्टानों को बनी हुई लंबी पट्टी, वो यहाँ से नीचे तक है ऐसा है पूरा। तो मैं इसको अगले वाले लेक्चर में इन सब चीज़ों को डिस्कस तो करना ही है। तो यहाँ आपको 6 राज्यों के बारे में जाना, 2 यूटी के बारे में जाना, और ये सब चीज़ें समझी, ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा। इनकी हमने ये जाना कैप्टन कुक्स के बारे में, इसकी खोज की थी सबसे पहले आया, और जहाज का नाम भी है सबसे छोटा महाद्वीप है क्षेत्रफल। ये सब पीटी के क्वेश्चन हैं, बंडे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके यूपी जैसे एग्जाम्स में जो देगा। मैं बता दूँ यूपीएससी है जो स्टेट सिविल सर्विस है, या CDS वगैरह है, सेंट्रल के एग्ज़ाम है, एक तरफ वो क्वींसलैंड, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स लिख देगा, और आपका ये लिख देगा तस्मानिया, और यहाँ पे आपको दे देगा इस तरफ क्या दे देगा, वो आपको इस तरफ राजधानियाँ दे देगा, कहेगा इनका मैचिंग करिए, सही बताइए गलत बताइए, तो ये सब चीज़ें दे देगा। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता दूँ, अगर आपको राजधानियाँ थोड़ी रटने में दिक्कत हो, तो एक थोड़ी सी ट्रिक नहीं है, कोई भी बेसिक है, आप बेसिक सीख सकते हो यहाँ पे।
वो बेसिक क्या है देखो, आपको बेसिक ये जानना है यहाँ पे, BSc, जैसे BS आपका C4, फिर यहाँ पे एक मिनट रुकना, जैसे मैं इसको लिखूँ BSc, हाँ ठीक है, बी से ब्रिस्बेन और एस से हो जाएगा आपका सिडनी, सी से कैनबरा, हाँ ब्रिस्बेन, बी से जैसे BSc किया आपने तो यहाँ किनारे की पूरी राजधानी याद हो जाएगी, ब्रिस्बेन, एस से सिडनी और सी से कैनबरा, तो यहाँ तक पहुँचे। फिर इसके बाद आप एमए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एमए, एमए लिखेंगे क्या, आप BSc के बाद क्या करेंगे, एमए करेंगे ना, एमए किया आपने, एम से मेलबर्न और ए से एडिलेड, तो मेलबर्न और एडिलेड, तो BSc कर लिया, ब्रिस्बेन किया, सिडनी गए, कैनबरा घूमा, फिर इसके बाद आपने सोचा एमए करें तो मेलबर्न गए, एडिलेड हो गया। अब आपको मन नहीं माना, बोले नहीं अब हमें और आगे डिग्री करनी है, तो आप क्या करेंगे, PhD, अब आपको कहा नहीं PhD करना है, PhD करेंगे तो पर्थ आएंगे, PhD करने पर्थ गए, पी किया पर्थ, एच से हार्वर्ड पहुंच गए, हार्वर्ड, हार्वर्ड कर लिया, और डी से डार्विन आ गए। तो ऐसे करके आप डिग्री कर, मतलब कि याद कर सकते हैं, ये कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, मैंने बनाया हुआ, आप भी ऐसे करके बना सकते हैं, वो एग्ज़ाम याद करने के लिए, कभी कभी क्या भूल जाता है, याद नहीं होता, तो ऐसे करके आप भी बना सकते हैं। BSc कर लिया, बोले नहीं अब हमें मास्टर डिग्री लेनी है, मास्टर डिग्री के बाद आपने एमए कर लिया, तो आप कहाँ पहुँच गए, आप मेलबर्न और एडिलेड पहुँच गए, नहीं बोले PhD करनी है, तो PhD से भी आप कहाँ, यहाँ से पर्थ, हॉबर्ट और ये हो जाएगा डार्विन, तो ये आप याद कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आराम से याद हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आज हमने जाना ऑस्ट्रेलिया के बेसिक मैपिंग के बारे में, और पूरा उसका पॉलिटिकल चीज़ों को जाना, कितने राज्य हैं, इसकी लोकेशन जाने, कौन सी लाइन होकर गुजरती है, ये सब जाना। इससे पहले हम समझ चुके थे कि ऑस्ट्रेलिया कैसा है, एक ही प्लेट पे बना हुआ, सिंगल महाद्वीप पे बना हुआ एक देश है, और महाद्वीप की भी संज्ञा दी जाती है, विश्व में इकलौता ऐसा देश और महाद्वीप है जिसको दोनों संज्ञा दी जाती है, ये पूर्णतः दक्षिण गोलार्ध में स्थित है और इसके मध्य से मकर रेखा होकर गुजरती है, ये सब चीज़ें हम जान चुके और मैं बता भी चुका हूँ। तो अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर इसके बाद आएगा तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पढ़ेंगे हम, जिसमें हम पर्वत है, पठारों के बारे में जानेंगे, नदियों के बारे में जानते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, अगर हाँ आपका अगर कोई डाउट है या कोई भी ऐसा डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, थैंक यू।